और एक ये है शायद। क्या नाम इसका भाई? मूलचंद जी। मूलचंद इसके बाप का नाम है। हैं? जो भी है माली नहीं है। कहाँ था मतलब भाई? क्या नाम है इसका भाई? हमने वहाँ पे गए एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, बच्चे की जैसे एक बार पता चला, फिर एक ही बार की बात थी, इसके पहले भी हुआ था। देखिए यहाँ पर 29 जून को निराना गांव जहाँ पर आप लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे एक दलित समाज की बारात आई हुई थी। उस बारात में लड़के कुछ डांस और कुछ ये दोनों समुदाय के, पाल समाज के भी थे, कुछ मुस्लिम समाज के थे, उन पे आपस में किसी बात को लेकर के मारपीट की घटना हुई थी। उस घटना के बाद ये 29 की बात से 30 तारीख में एक FIR कराई गई थी। उसके बीच में ये लोग आपस में समझौते का प्रयास करते रहे और फिर 30 तारीख के बाद से जो लड़के इसमें इन्वॉल्व थे वो लोग भाग गए थे, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। कल इसमें 5 गिरफ्तारी कर ली गई है। यहाँ पर ये चूँकि गिरफ्तारी में 7-8 दिन का टाइम लगा, तो ये जो पाल समाज के लोग हैं, इन लोगों ने अपने घरों पर ये लिख दिया कि यह मकान बिकाऊ है, ये दिखाने के लिए कि जैसे यहाँ पे पलायन की बात जब कही जाएगी तो मीडिया का आकर्षण होगा और कुछ मीडिया के लोगों को बुला करके उसका कवरेज कराया गया और उसके बाद से तब ये चीज़ इसमें कार्रवाई होगी। तो इन लोगों से बातचीत की गई है। इतना था कि जिन लोगों ने इसमें घटना की थी उसमें 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जो बाकी शेष 5 बचे उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। सर, ये छेड़खानी के क्या क्या पूरा मामला है इसमें? ये भी एंगल आ रहा है कि इसमें छेड़छाड़ जो है वो खासकर इन परिवारों के साथ किया गया, इनके खासकर वो बेटियों के साथ? नहीं, कोई छेड़छाड़ की बात नहीं है। ये जो बारात थी, बारात में वहाँ पर जो जब गाँव में कोई बारात आती है तो उस बारात में गाँव के सभी समुदाय के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, सब लोग वहाँ पर बारात देखने के लिए आते हैं। उस बारात देखने में ही ये आपस में उन लड़कों मारपीट हुई थी। आपने घर का जायजा लिया लेकिन परिवार मानने को तैयार नहीं है। परिवार का कहना है कि यहाँ वो नहीं रहना चाहते हैं। पुलिस की जो कार्रवाई है? नहीं, ये बात तो नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये केवल मीडिया की देन है, सिर्फ और सिर्फ इसमें केवल बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है कहीं से। हाँ, उन्होंने ज़रूर इस चीज़ को किया कि थोड़ा सा डिले होने पहले इसमें, चूँकि छोटी बात थी, मारपीट की बात गाँव के स्तर पर कई मामले, छोटे मामले होते हैं, उन पर समझौते की बात आती है और छोटे मोटे मामलों को समझा करके उसको बात का उसको बड़ा इशू न बनाया जाए, ये भी एक प्रयास रहता है। इसी उसमें यहाँ पर चूंकि ये वो लड़के भाग गए, एक तरफ उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और एक तरफ ये इनका समझौता भी नहीं हुआ, जिसके कारण से उन लोग को लगा कि अगर वो इस तरीके से, तो इसमें एक प्रवीण पाल हैं, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर लिखवा करके और ये मीडिया को बुलाया और उस चीज़ को मीडिया को दिया। ये टारगेट तो हिंदू परिवार हो रहे हैं सर? नहीं, टारगेट है सच क्या है, कोई हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। गलत शब्द इस्तेमाल आप कर रहे हैं। एक चीज़ ये लड़कों के बीच में जब घटना हुई थी तो कोई हिंदू मुस्लिम को देख के नहीं हुई थी। उस समय घटना हो गई, उसको फिर उसके बाद से उसको डिस्ट्रैक्शन किया जा रहा है।